हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आई हीना वेलकम यू ऑल इन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी HURL के प्रीवियस ईयर के मार्केटिंग ऑफिसर में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको। गाइस, एक्चुअली मैं कमेंट्स देख रही थी पिछली वीडियो में, तो कुछ स्टूडेंट ने लिखा था कि मैम ये नहीं पूछा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने ये नहीं बोला है कि मैं आपके सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम को कवर अप करूँगी। आई टोल्ड यू जस्ट कि मैं सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पोर्शन है वो सिर्फ कवर अप करूंगी। ओके, जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, मैं सिर्फ वो कवर अप करूंगी। मैंने आपको ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आपके लिए सारा प्रीवियस ईयर का लेकर के आने वाली हूँ। ओके, तो जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आपका पूछा जाता है, बीन एन एग्रीकल्चर एडुकेटिव, तो मैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है? बाकी पर्टिकुलर किसी रीजनिंग या क्वांट्स के नहीं लेके आने वाली हूँ, ठीक है? तो क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर ही कोर है, तो इसलिए मैं एग्रीकल्चर के ही क्वेश्चंस लेके आऊँगी ना। तो मैंने ये आप लोगों को पहले क्लियर करना सही समझा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स के कमेंट देखे थे। ओके, तो गाइस, सबसे पहले आप लोग यार एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और डाउनलोड कर दीजिए इसके ऐप को। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून कमलाकांत। तो गाइस, अब क्विज स्टार्ट होने वाली है आपकी, क्विज नहीं, आई मीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो इसमें आप लोग अपना ये इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है? तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग की स्क्रीन पर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तराई सॉयल अकर्स इन विच स्टेट। तराई सॉयल जो है कौन से स्टेट में होती है, जल्दी से बताइए गाइस। हेलो साहिल, जल्दी से बताइए गाइस, तराई सॉयल जो है कौन से स्टेट में होती है, बताइए। कर्नाटका में होगी, बिहार में होगी, यूपी, गुजरात या फिर पंजाब, फटाफट से बताइए गाइस। हाँ जी, आपको भी ईद मुबारक, ठीक है? तो जल्दी से बताइए गाइस, तराई सॉयल जो है कौन से स्टेट में मिलती है, जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश, ओके, यूपी, यूपी, ओके, यूपी, ओके, सारे स्टूडेंट यूपी आंसर कर रहे हैं। गाइस, हम लोग आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है, बिहार, ठीक है? तराई सॉयल जो है आपकी बिहार में ज़्यादातर होती है। गाइस देखो, आपका जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो रीजन है, वहाँ पर आपकी काफ़ी सारी रिवर्स हैं और वो एरिया आपका मैक्सिमम जो है बिहार के अंडर में आता है, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर आपका यूपी नहीं होगा, बिहार होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। इन फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप रियरिंग रियरिंग लाइव स्टॉक। तो भाई, फार्मिंग में आपकी जो लैंड यूज होती है फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड फूड के लिए एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, और लाइव स्टॉक की रेयरिंग के लिए, तो कौन से टाइप की फार्मिंग आपकी यहाँ पर यूज़ होती है, कौन सी फार्मिंग में आपकी लैंड यूज फॉर ग्रोइंग एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, ये तीनों चीज़ें आपकी कौन सी फार्मिंग में आएंगी? इंटेंसिव फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग और मिक्सड फार्मिंग एंड नन ऑफ दीज, फटाफट से बताइए गाइस आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। कोई बात नहीं श्रेयस, कोई बात नहीं, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से आंसर करो, ठीक है? डी आंसर करें हैं आरती, श्रेयस, प्रमोद, डी आंसर करें। ओके, कौन सी फार्मिंग होगी? ओके निशांत, ए, इंटेंसिव फार्मिंग, ओके, मिक्स्ड फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, ओके। गाइस आंसर हम लोग देख लेते हैं, आंसर होगा आपका, एक मिनट, आंसर होगा आपका मिक्स फार्मिंग, ठीक है? जो स्टूडेंट मिक्स फार्मिंग आंसर कर रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही है। देखो तीनों चीज़ें इसमें मिक्स है, ठीक है? फॉडर एंड फूड क्रॉप भी आपका ग्रो करा जा रहा है, रेयरिंग लाइव स्टॉक भी, तो इसलिए ये किस में आएगा, मिक्स फार्मिंग में आएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइज आप लोग। द लैंड ऑन विच क्रॉप इज ग्रोन एरेबल लैंड, वेटलैंड, ड्राई लैंड, नन ऑफ दीज एंड ऑल ऑफ दीज, कौन सी टाइप की लैंड में आपकी क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है? द लैंड ऑन विच क्रॉप्स इज ग्रोन एज, तो एरेबल लैंड होगी या फिर आपकी वेटलैंड होगी, ड्राई लैंड होगा, नन ऑफ दीज होगा। गाइस फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए गाइस, वॉट विल बी द आंसर हियर, यहाँ पर आंसर क्या होगा, फटाफट से आंसर कीजिए डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर होगा, कौन से टाइप की लैंड में हम मेनली क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जल्दी से बताइए गाइस। एरेबल लैंड, प्रमोद कुमार का आंसर आ गया है, एरेबल लैंड, ओके गाइस फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। आरती, एरेबल लैंड, ओके निशांत, ई, ऑल ऑफ दीज, ओके ओके गाइस आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो एरेबल लैंड जिन स्टूडेंट्स का आंसर है बिल्कुल सही है गाइस, एरेबल लैंड में हम मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है? तो ए, हाँ विपिन आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, हाँ जी श्रेयस आपका आंसर भी सही है, जितने स्टूडेंट ए आंसर करें उनका आंसर बिल्कुल सही है, एरेबल लैंड में जनरली आपका
क्रॉप्स को ग्रो करा जाता है, ठीक है। हाँ कमलाकांत आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। द प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव टैप रूट सिस्टम। भाई कौन से टाइप के प्लांट है जिनमें टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, मतलब जो लॉन्ग रूटेड सिस्टम होता है, ठीक है। तो आपका डेंडलियॉन्स हो गया, कॉटन हो गया, ग्राम हो गया, अनियन हो गया, जल्दी से बताइए कौन से प्लांट है। कॉटन दो बार आ गया है, सॉरी। कौन से वाले जो आपके प्लांट्स हैं जिनमें आपका ये टैप रूट सिस्टम नहीं मिलता है, फटाफट से बताइए गाइस। किसमें आपका टैप रूट सिस्टम नहीं मिलता है, फटाफट से बताइए। हाँ जी कमलाकांत आपका भी बिल्कुल सही आंसर था। फटाफट से बताइए गाइस, कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन से प्लांट्स हैं जिनमें आपका टैप रूट सिस्टम नहीं होता है। ई अनियन, ओके जी, ठीक है। जल्दी से बताइए गाइस आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। अनियन, अनियन, ओके। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का अनियन आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, अनियन। तो देखो जितने भी आपके डाइकॉट प्लांट्स हैं गाइज, उन सब में आपका टैप रूट सिस्टम होता है, जबकि मोनोकॉट्स में आपका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अनियन का जो आपका रूटिंग सिस्टम है, अनियन में बल्ब जो होता है वो आपका रूटिंग में आता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, जो टंगल्ड हेयर होता है, ठीक है, जो टंगल्ड हेयर आप लोगों ने देखे होंगे अनियन के नीचे की तरफ से, अनियन के बॉटम में, वही अनियन का क्या होता है, रूट सिस्टम होता है, ठीक है। वही अनियन का रूट सिस्टम होता है और वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रबी इज एन अरेबिक वर्ड विच डज इट मीन इन अरेबिक। तो अरेबिक में इसका मतलब क्या है, वाटर ड्राइनेस, विंटर ड्राइनेस, ऑटम एंड स्प्रिंग। रबी जो है ये एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, लेकिन इसका जो मीनिंग है अरेबिक में वो क्या है, ठीक है। अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड है ये, लेकिन अरेबिक में इसका मीनिंग क्या है, वाटर ड्राइनेस है, विंटर है, या फिर आपका ड्राइनेस है, ऑटम है, या फिर स्प्रिंग होगा, फटाफट से बताइए गाइस, फटाफट से आंसर कीजिए। अरेबिक में रवि का मतलब क्या होता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज दिस इज द अरेबिक वर्ड, तो अब फटाफट से बताइए गाइस आंसर क्या होगा। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, राकेश कुमार ए, ओके। आरती, विंटर ड्राइनेस। लक्ष्य बी, विपिन बी, ओके। गाइज हम लोग आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा आपका स्प्रिंग, ठीक है, आंसर स्प्रिंग होगा। अब क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। इस ये आपका रवि का मीनिंग होता है गाइज स्प्रिंग, ठीक है, रवि का जो मीनिंग होता है आपका स्प्रिंग होता है, ठीक है। एक मिनट देखो, इन अरेबिक रवि मीन्स स्प्रिंग, अरेबिक लैंग्वेज में अगर हम देखें गाइस तो रवि का मीनिंग होता है स्प्रिंग, ठीक है। जनरली क्या होता है, रवि इज स्प्रिंग हार्वेस्ट ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप। इसको विंटर क्रॉप भी बोला जाता है, रवि को विंटर क्रॉप भी बोला जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है आपका मिड अप्रैल और लास्ट अप्रैल टू मिड जून और लास्ट जून तक जनरली होता है, ठीक है। मिड अप्रैल, मिड टू लेट अप्रैल से आपका मिड टू लेट जून आपका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, इसको आपका विंटर क्रॉप बोला जाता है। लेकिन अरेबिक में इसका मतलब होता है स्प्रिंग, अरेबिक में इसका मीनिंग होता है स्प्रिंग। मैंने अरेबिक लैंग्वेज में पूछा था, वैसे इसको विंटर क्रॉप भी बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए गाइस। हाँ, What kind of cropping pattern is used in rain-fed farming areas? जो आपके rain-fed farming areas हैं वहाँ पर किस टाइप का cropping pattern आपका use करा जाता है? Single cropping होगा, relay cropping होगा, return cropping होगा, mixed cropping होगा, intercropping होगा। तो guys फटाफट से आंसर कीजिए, जो आपके rain-fed farming areas हैं, ठीक है, rain-fed farming areas जो आपके हैं guys, वहाँ पर किस टाइप का cropping pattern use करा जाता है, फटाफट से बताइए guys, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट काइंड ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज यूज्ड इन रेन फेड फार्मिंग एरियाज। रेन फेड फार्मिंग एरियाज की बात करें, सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न होगा, रिले होगा, रिटर्न होगा, मिक्स्ड होगा, या फिर इंटर क्रॉपिंग पैटर्न होगा। डियर स्टूडेंट्स फटाफट से आंसर कीजिए। इंटर क्रॉपिंग ए भी कह रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, सिंगल क्रॉपिंग, ओके ठीक है। ई इंटर क्रॉपिंग, ओके। तनुजा ए, निशांत ए, ओके। गाइस हम लोग आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है आपका, ठीक है, एक मिनट। तो आंसर है गाइज आपका इंटरक्रॉपिंग, यहाँ पर आपका आंसर होगा इंटरक्रॉपिंग। यहाँ पर रेनफीड एरियाज में जनरली आपका इंटरक्रॉपिंग पैटर्न यूज करा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइज। द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड इसेंशियल केमिकल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज टर्म्ड एज। जो इनहेरेंट कैपेसिटी होती है सॉइल की, जिसमें वो क्या करती है, इसेंशियल केमिकल एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स जो केमिकल्स जो प्रोवाइड करती है उसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रोडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी, दिस इज कॉल्ड सॉइल कैपेसिटी, दिस इज सॉइल फ्लेक्सिबिलिटी एंड सॉइल यूटिलिटी। तो क्या आप उसको टर्म यूज करोगे, व्हाट टर्म यू विल गिव फॉर द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन
विच सॉइल गिव सॉइल प्रोवाइड द एसेंशियल केमिकल एलिमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अच्छा कुछ स्टूडेंट फर्टिलिटी बोल रहे हैं. ओके कमलाकांत डी फ्लेक्सिबिलिटी. ओके विपिन बी सुयश डी आंसर कर रहे हैं. निशांत का आंसर ए है. अभिषेक फर्टिलिटी. ओके राकेश कुमार बी. निशांत ए आंसर करें. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आंसर देख लेते हैं. आंसर है आपका, एक मिनट, आंसर है यहाँ पर आपका सॉइल फर्टिलिटी. गाइस देखो सॉइल की फर्टिलिटी जो होगी, फर्टिलिटी स्टेटस आप कैसे मेजर करते हो कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है और सॉइल जो है कितने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है. ठीक है, सॉइल जो है कितने न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है क्रॉप को. ठीक है, तो यहाँ पर आपका सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस होगा. ठीक है, व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी? तो इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू सस्टेन एग्रीकल्चरल प्लांट ग्रोथ, दैट इज टू प्रोवाइड द प्लांट हैबिट एंड रिजल्ट इन सस्टेन एंड कंसिस्टेंट यील्ड ऑफ हायर क्वालिटी. तो जनरली ये आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके प्रोवाइड करे जाते हैं, जितनी अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स आपके प्रोवाइड करे जाते हैं, उतनी ही अच्छी ग्रोथ आपकी, उतनी ही हाई क्वालिटी की यील्ड आपको मिलती है, सस्टेनली मिलती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं गाइस. देखो नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, आपका नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है गाइस वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में होगा, एमपी में होगा, हैदराबाद में होगा, वेस्ट बंगाल में होगा या फिर मुंबई में होगा? गाइस फटाफट से बताइए, आपका जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो फटाफट से बताइए गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. यार जल्दी से बताइए गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. निशांत का आंसर आ गया है सी, आंसर करें. ओके राकेश कुमार सी. ओके आरती न्यू दिल्ली. ओके निशांत सी आंसर कर रहे हैं, हैदराबाद. अभिषेक एमपी मध्य प्रदेश. ओके निशांत सी. ओके गाइस हम लोग आंसर देख लेते हैं. आंसर होगा आपका यहाँ पर हैदराबाद. ठीक है गाइस, आंसर होगा आपका यहाँ पर हैदराबाद. हाँ हैदराबाद में आपका प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड है. ठीक है, जिन स्टूडेंट ने सी आंसर किया उनका आंसर बिल्कुल सही है. ओके तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड वाटर डे आपका कब सेलिब्रेट करा जाता है? फटाफट से बताइए गाइस. 15 मार्च होगा या फिर आपका 23 जनवरी होगा, 12 फरवरी होगा, 8 फरवरी होगा या फिर 22 मार्च होगा? तो फटाफट से बताइए गाइस आंसर क्या होगा. वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड वाटर डे जो है वो आपका कब सेलिब्रेट करा जाता है? 15 मार्च, 23 जनवरी, 12 फरवरी, 8 फरवरी और आपका 22 मार्च को? फटाफट से बताइए गाइस आंसर कीजिए. वेरी गुड, आरती का आंसर सबसे पहले आ गया 22 मार्च, राकेश का आंसर भी आ गया 22 मार्च. ओके फटाफट से बताइए गाइस आंसर क्या होगा. प्रमोद कुमार का आंसर भी आ गया है 22 मार्च. ओके गाइस हम लोग आंसर देख लेते हैं आंसर क्या होगा. ओके तो आंसर होगा गाइस आपका 22 मार्च. जितने स्टूडेंट ने 22 मार्च आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही. हाँ जी बिल्कुल विशाल राजन आप. ओके जितने स्टूडेंट ने 22 मार्च आंसर किया है आपका आंसर बिल्कुल सही है. राजन आपका आंसर गलत है, 15 मार्च आंसर नहीं होगा. ठीक है हाँ उमेद सिंह आपका आंसर बिल्कुल सही है. हाँ जी बिल्कुल 22 मार्च आंसर होगा. कमलाकांत रामवीर आपका आंसर भी बिल्कुल सही है. ओके गाइस ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस. एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज एपीडा. ठीक है, एपीडा इज अ स्टेचरी बॉडी अंडर द विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर आपका एपीडा आता है? ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है गाइस ये आपकी एक स्टेचरी बॉडी है जो आपकी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. तो गाइस फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. जल्दी से बताइए गाइस, जो आपका एपीडा है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? एपीडा एक एपेक्स बॉडी है जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? फटाफट से बताइए. हिंदी में, यार हिंदी में शायद नहीं आता ये पेपर, क्योंकि जहाँ से मैंने देखा था वहाँ पर मुझे पूरा इंग्लिश में ही मिला था, हिंदी में तो मुझे मिला नहीं ये पेपर. ठीक है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ओके सी आंसर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. ओके ओके नितेश सी आंसर कर रहे हैं, उमेद बी. ओके निशांत सी, प्रमोद कॉमर्स एंड हिस्ट्री. ओके विपिन नीरज बी,
निशांत पी, नीरज, ओके ओके ओके. तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आंसर करें. हम देख लेते हैं आंसर क्या है. तो गाइज बिल्कुल सही है, आप लोगों ने जिसने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आंसर किया है आपका आंसर बिल्कुल सही है. ठीक है, इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज एपीडा एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये आता है एंड इट इज मैंडेट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया. तो बेसिकली ये आपका मैंडेटरी है किसके, फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द एग्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया. इंडिया से जो भी प्रोडक्ट आपके एक्सपोर्ट करे जाते हैं, ठीक है, जो भी बाहर की कंट्रीज में भेजे जाते हैं जो भी प्रोडक्ट, उनके लिए बेसिकली ये आपके उसके लिए ये एक्चुअली बनाया गया है एपीटा. ठीक है, आपके जो भी प्रोडक्ट यहाँ से आउट ऑफ द इंडिया एक्सपोर्ट करे जाते हैं बेसिकली उसके लिए ये एपीटा जो एपिक्स बॉडी है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपकी बनाई गई है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच कलर टैग सर्टिफिकेट टू गिव ऑन फाउंडेशन सीड, यहाँ पर होना चाहिए था, आई एम सो सॉरी गाइस. फाउंडेशन सीड के लिए कौन सा टैग आपका यूज करा जाता है, व्हाइट है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है या रेड है. अब जिन स्टूडेंट्स ने मेरा रबर बोर्ड वाला सेशन देखा होगा प्रीवियस ईयर का, ये क्वेश्चन देख लो गाइस, इंपॉर्टेंट है. रबर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, रबर बोर्ड में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है. अब फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए गाइस, उसमें भी मैंने करवाया है. तो आप में से अगर किसी भी स्टूडेंट ने रबर बोर्ड वाला सेशन मेरा नहीं देखा है गाइस, तो उसको भी जरूर वॉच कर लो, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी स्टूडेंट इफको या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो गाइस, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप लोग मेरा रबर बोर्ड वाला सेशन भी ज़रूर देखना. मैं जनरली हर सैटरडे लेती हूँ. ठीक है, सौम्या ए, ओके, नीरज कुमार बी, अच्छा जी, थैंक यू, कमला कांत कॉमर्स एंड ओके, वाइट, आरती वाइट, ओके, प्रमोद, उम्मीद, राकेश ए, ओके, वाइट, दामिनी ए, सौम्या, कमला कांत ब्लू, ओके, नीरज वाइट, ओके, निशांत ए, ठीक है, नीरज कुमार ए, निशांत ए, ओके, विपिन और सुमित ने भी ए आंसर किया. ओके गाइस, ठीक है, हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या आंसर होगा आपका. तो यहाँ पर आंसर होगा आपका वाइट टैग. ठीक है, आपका फाउंडेशन सीट के लिए आपका कौन सा टैग यूज़ करा जाता है गाइस, आपका वाइट टैग यूज़ करा जाता है. तो इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. इसमें एक्सप्लेनेशन आपका क्या है, तो फाउंडेशन सीट इज प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीट. ठीक है, आपके गाइस जो आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ते होंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो वहाँ पर जो आपके ब्रीडर्स होते हैं एक्चुअली ये हाई क्वालिटी के लिए, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ यील्ड के लिए जनरली आपके न्यू टाइप के सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, नए सीड्स बनाते हैं जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के सीड्स बनाए जाते हैं, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, बहुत सारे टाइप के सीड्स आपके बनाए जाते हैं. तो उसी में आपका फाउंडेशन सीड भी एक टाइप का सीड होता है. ठीक है, तो ये आपके जनरली क्या होता है, प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन अंडर द टेक्निकल कंट्रोल ऑफ क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर एंड टेक्निकल ऑफिसर्स. तो जो आपके टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं प्लांट ब्रीडर्स होते हैं गाइस, और बहुत सारी जो बॉडीज होती हैं लाइक स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी बॉडीज होती हैं जनरली इनके अंडर में और इनके कोलैबोरेशन से आपके जो प्लांट ब्रीडर हो गए, टेक्निकल ऑफिसर्स हो गए, वो इस टाइप के सीड्स को आपका प्रोड्यूस करते हैं. इट्स प्रोडक्शन इज सुपरवाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द सर्टिफिकेशन एजेंसीज. तो जो आपकी सर्टिफिकेशन एजेंसीज होती हैं गाइस, वो आपके जनरली इस टाइप के सीड्स को का जब प्रोडक्शन होता है तो उसको सुपरवाइज करते हैं. ठीक है, इस जेनेटिक प्योरिटी शुड बी मेंटेन अंडर द 99.5%. तो इसकी जेनेटिक प्योरिटी जो है वो कितनी आपकी मेंटेन होनी चाहिए, एटलीस्ट 99.5% आपकी मेंटेन होनी चाहिए. ठीक है, आप इसको सीड टेक्नोलॉजी में भी इनके बारे में पढ़ोगे गाइस, और इनसे आपका बहुत सारा क्वेश्चन एग्रीकल्चर में आता है. ठीक है, मैमोनिया एग्रीकल्चर ही आएगा HURL में, और नहीं आपके और सब्जेक्ट भी आते हैं, आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं. ठीक है, अभी इसमें मुझे एक सेशन और लेना है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी HURL के बारे में, कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. अब नेक्स्ट सेशन आप लोग मेरा अटेंड करना, उसके लिए आप एग्रीकल्चर अड्डा को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग एग्रीकल्चर अड्डा के ऐप को, यही वीडियो में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लो गाइस,
ठीक है, ताकि मैं क्योंकि शॉर्ट्स उस पर डाल दूंगी, तो जब मैं शॉर्ट डालूंगी आपको उसमें पता चल जाएगा कि मैं कब उसको लेने वाली हूँ। तो नेक्स्ट सेशन में इसका लेने वाली हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके मैं और लेके आऊंगी मार्केटिंग ऑफिसर के ही, और उस सेशन में मैं आपको इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगी कि कितना इसका किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहता है और किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें रहती हैं, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। ब्लैक कलर इज ब्लैक इन विच ब्लैक कलर सॉरी ब्लैक सॉयल इज ब्लैक इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच कॉम्पोनेंट। कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट होता है सॉयल में जिसकी वजह से आपका कलर जो है वो ब्लैक होता है सॉयल का? ठीक है, आयरन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, कार्बन एंड कैल्शियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। तो कौन सा ऐसा कॉम्पोनेंट होगा गाइस, कौन सा ऐसा न्यूट्रेंट है जिसकी वजह से ब्लैक सॉइल का कलर जो है वो ब्लैक है? फटाफट से बताइए गाइस आंसर क्या होगा। व्हाई द कलर ऑफ ब्लैक सॉइल इज ब्लैक, कौन से कॉम्पोनेंट की वजह से सॉइल का जो कलर है वो ब्लैक होगा? फटाफट से बताइए गाइस। मैं एग्जाम एक होगा, आप मेरा नेक्स्ट सेशन देखना, उसमें मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट सेशन जरूर देखिएगा। आयरन एंड फॉस्फोरस, ओके डी, आयरन एंड एल्यूमिनियम, ओके, दामिनी 13 का ए, ओके सी। अरे नीरज, एक बार भी आप सी लिख देते तो मुझे दिखाई दे देता, इतनी बार लिखा है सी। निशांत सी, सौम्या सी, ओके, विपिन पटेल डी, ओके। गाइस जितने स्टूडेंट देख रहे हो यार, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर सकते हो। ठीक है, सी, ओके, निशांत सी, रामवीर डी, ओके, आंसर देख लो, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो गाइज आपका आंसर होगा आयरन एंड एल्यूमिनियम, आयरन और एल्यूमिनियम जो आपका कंपोनेंट है, डी आंसर होगा। ठीक है, हाँ जी कमलाकांत और विपिन बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, डी आंसर होगा। ठीक है, आयरन एंड एल्यूमिनियम जो है गाइज, अब देखो सॉइल में जो एक्चुअली कलर होता है सॉइल का कलर जो है वो सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रियट की वजह से होता है। ठीक है, सॉइल क्योंकि सॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, उसमें जो न्यूट्रियट आपके प्रेजेंट होते हैं और उसमें जो आपका ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस वजह से आप लोग जनरली देखोगे फॉरेस्ट सॉइल का कलर आपको मैक्सिमम ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, आपका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वहां पर बार बार क्या होता है, लीफ लिटर डिकम्पोजिशन होता है। जैसे ही पेड़ों से पत्तियां गिरेंगी वो सड़ेंगी गलेंगी, उनका डिकम्पोजिशन होगा, जैसे ही लीफ फॉल होगा लीफ फॉल के बाद, और प्रॉपरली उसका क्या होगा, आपका उसका प्रॉपरली आपका डिकम्पोजिशन होगा, माइक्रोबियल एक्शन की वजह से डिकम्पोजिशन होगा, और फर्दर क्या होगा, आपका जितने भी आपके ये जो ये लीफ लीटर है उसका डिकम्पोजिशन होगा और दोबारा वो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट करेगा। तो उसकी वजह से जनरली सॉइल का जो कलर होता है गाइज वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस्ड होता है। सो हियर विल बी आंसर विल बी आयरन एंड एल्यूमिनियम। आयरन एंड एल्यूमिनियम की वजह से आपका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे लेटराइट सॉइल है, कुछ सॉइल्स होती है जिनका कलर बिल्कुल रेड होता है, तो आयरन की वजह से होता है। ठीक है, चलो अब सॉइल कलर इज ड्यू टू द ऑल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो आपके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जनरली उसकी वजह से यहाँ पर आपका जो कलर है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए गाइस। चिपको मूवमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन थ्रू। चिपको मूवमेंट आप लोगों ने सुना होगा चिपको मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो चिपको मूवमेंट जो है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक एग्जांपल होता है। ठीक है, अब क्यों बताइए जल्दी से, इसमें ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का एक आइडिया है इसमें आपका किसके थ्रू होता है? लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू होता है, लीगल रिसोर्सेज, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल इशूज, या फिर नन ऑफ दीज गाइज? आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ। ये जो चिपको मूवमेंट है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो एक एग्जाम्पल है, जल्दी से बताइए ये किसकी वजह से है? ये आपका गवर्नमेंट की वजह से है, लीगल रिसोर्सेज की वजह से होता है, पब्लिक अवेयरनेस की वजह से है, पॉलिटिकल इशूज की वजह से है, या फिर आपका नन ऑफ दीज होगा? जल्दी से बताइए गाइज। सी आंसर करें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ओके, आरती, प्रमोद, दामिनी, राकेश, विपिन, सौम्या, नीरज, अजय, वेरी गुड गाइस, ओके, आप लोगों ने सी आंसर किया है। सी आपका आंसर है पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। देखो चिपको मूवमेंट जो है गाइस सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस जो चिपको मूवमेंट है एक्चुअली ये सबसे पहले स्टार्ट किया था गौरा देवी ने। ठीक है, चिपको मूवमेंट जो है ये गौरा देवी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, वो एक विलेजर थी, एक लेडी थी विलेज की। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों को पता है कि फॉरेस्ट से सबसे ज़्यादा जो कनेक्टेड होते हैं ना वो विलेजर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी सारी नीड्स जो है फॉरेस्ट से फुलफ़िल होती है, हमारी भी सारी नीड्स फॉरेस्ट से फुलफ़िल होती है। लाइक हम लोग पेपर यूज़ करते हैं, जो हम लोग फर्नीचर अपने घर में यूज़ करते हैं, सारा का सारा कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है। बट
हम लोग इतना ज्यादा अटैच नहीं होते फॉरेस्ट से, वो फॉरेस्ट से बहुत ज्यादा अटैच होता है क्योंकि वो फॉरेस्ट को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर जो ये लेडी थी गौरा देवी, इन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था। इन्होंने कहा था कि प्लांट हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है, इन्होंने कहा था प्लांट हमारे लिए सब कुछ है। यहाँ पर इन लोगों ने वो भी बनाया था, मिट्टी पानी और बयार, ये है जीवन के उपकार, ऐसा करके कुछ इन्होंने एक स्लोगन भी बनाया था। गाइस बहुत अच्छा स्लोगन बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन चिपको मूवमेंट से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो, आपका चिपको मूवमेंट जो होगा वो हर जगह कॉमन होता है क्योंकि एनवायरमेंट साइंस जनरली हर एग्जाम में आता है, ठीक है। और ये आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एफओ का पेपर उठा लो, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि फॉरेस्ट्री भी वहाँ पर इंक्लूडेड होता है, तो फॉरेस्ट्री में ये काफ़ी ज़्यादा मेन मूवमेंट है आपका, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट जो है गाइस गौरा देवी ने स्टार्ट किया था, लेकिन इनका नाम बहुत ज़्यादा नहीं आता है। इसमें दो नाम आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, सुंदरलाल बहुगना, ठीक है, सुंदरलाल बहुगना एंड एक मिनट, और आपका चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, आपका चंडी प्रसाद भट्ट, इनका नाम बहुत ज्यादा आता है क्योंकि गाइज ये इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए थे, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट किया था अपने इसने इन लोगों ने स्टार्ट किया था, ये गौरा देवी ने विलेज से स्टार्ट किया था, और सुंदरलाल भगना और चंदी प्रसाद भट्ट जो थे ये इसको बिल्कुल हाईर लेवल तक लेके गए थे, इंटरनेशनल लेवल तक ये लोग लेके गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आपका पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो था गाइस विलेजर्स ने ही इसको यहाँ पर प्रमोट किया था, ठीक है, विलेजर्स ने ही इसको प्रमोट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो सुंदरलाल भोगना थे और जो चंडी प्रसाद भट्ट थे वो इसको इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नाम पूछे जाते हैं, इनमें से सुंदरलाल भोगना जो है गाइस उनकी डेथ हो गई है, या आई थॉट शायद पिछले लॉकडाउन में ही इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कई बार पूछा जाता है ना कि कौन से रिसेंट आपके एग्जाम ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिव ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड या फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड जो थे जिनकी डेथ हुई है रिसेंटली, हाँ जी बिल्कुल उत्तराखंड से ये रिलेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। हाँ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को और क्या बोला जाता है, फटाफट से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, उत्तराखंड का चमोली विलेज, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, और क्या बोला जाता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को, सेंट्रल लॉ ऑफ एनवायरमेंट बोला जाता है, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, लॉ ऑफ एनवायरमेंट, नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ दीज। गाइस फटाफट से आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी, डेथ 2021, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जीके बहुत अच्छा है आप लोग का। हाँ, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। जल्दी से बताइए गाइज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को और क्या बोला जाता है, फटाफट से बताइए। आरती का आंसर आ गया है 15 का ए, सेंट्रल लॉ ऑफ एनवायरमेंट, ओके जी ठीक है, फटाफट से बताइए गाइज और क्या आंसर होगा। बी, विपिन का आंसर आ गया है बी, ओके गाइज सारे स्टूडेंट आंसर करो यार, फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। एग्री एडुकेशन ई, ऑल ऑफ दिस, अच्छा जी, रामवीर ई, प्रमोद बी, अच्छा बी भी सोच रहे हैं अभी, ओके रितेश बी, ओके गाइस आंसर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा। ओके, तो आंसर होगा आपका द एम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ठीक है, जो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसको एम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी बोला जाता है, ठीक है, बाकी आंसर नहीं होगा, एम्ब्रेला लेजिस्लेशन आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। एग्रीकल्चर एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द एनिवर्सरी, तो आपका जो एग्रीकल्चर एजुकेशन डे है ये जो आपका किसकी एनिवर्सरी के लिए ये एग्रीकल्चर एजुकेशन डे जो है किसकी एनिवर्सरी पे आपका सेलिब्रेट करा जाता है, बी आर अम्बेडकर की, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन, जल्दी से बताएं, और नन ऑफ दीज भी आंसर है, बताइए गाइस किसकी एनिवर्सरी पे एग्रीकल्चर एजुकेशन डे जो है सेलिब्रेट करा जाता है, फटाफट से बताइए गाइस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर आ गया है आरती का, ओके गाइस फटाफट से आप लोग भी आंसर कीजिए। 16 का बी, ओके सौम्या, प्रमोद बी, ओके विपिन बी, गाइस यार जितने स्टूडेंट देख रहे हो सारे स्टूडेंट आंसर करा करो। शिविका वत्स बी, ओके मोनी रूल बी, ओके
ठीक है गाइस, हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है गाइस, आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी एनिवर्सरी पे एग्रीकल्चर एजुकेशन डे सेलिब्रेट करा जाता है, और कब सेलिब्रेट करा जाता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस ये डे जो है ये आपका ICR में सेलिब्रेट करा जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, ICR में सेलिब्रेट करा जाता है ऑन द 3 दिसंबर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डे आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लासेस में आपको फोटो रेस्पिरेशन करवा चुकी हूँ ना, बहुत अच्छे से करवा चुकी, इसलिए जो एग्रीकल्चर फाउंडेशन वाले स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आंसर दीजिए, फोटो रेस्पिरेशन इज मोर एफिशियंट इन सिंथेसाइजिंग ग्लूकोज देन फोटो सिंथेसिस। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन ज्यादा एफिशिएंट होता है ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने में एज कम्पेयर टू फोटोसिंथेसिस। C3 प्लांट आर बेस्ट एडेप्टेड टू हैंडल फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन के लिए C3 प्लांट ज्यादा एडेप्टेड होते हैं, बता चुकी हूँ क्या है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इज लाइकली टू अकर्स व्हेन ऑक्सीजन लेवल इज हाई एंड CO2 लेवल इज लो। फोटो रेस्पिरेशन आपका कब होता है, जब ऑक्सीजन लेवल हाई होता है और आपका CO2 लेवल कम होता है, या फिर ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन प्लांट यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। कि फोटो रेस्पिरेशन में आपके प्लांट्स जो है ऑक्सीजन को यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करते हैं कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं, या फिर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट फटाफट से आंसर कीजिए। नीरज आपको तो ई दिखाई भी नहीं दे रहा, आंसर कर दिया पहले ई। सौम्या सी आंसर कर रही है, ओके फटाफट से बताइएगा। इस प्रमोद 17 का डी आंसर करें, ओके जी। ठीक है, देखो जो एग्रीकल्चर फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, और पेड वाले बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, पेड वाले बच्चे बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे बेटा, ओके। शिविका बी, ओके ठीक है शिविका, आपका आंसर मैंने देख लिया। दीपा डी, ओके ठीक है, आंसर देख लेते हैं गाइज हम लोग, आंसर क्या है यहाँ पर। देखो फोटो रेस्पिरेशन इज लाइकली टू अकर्स व्हेन ऑक्सीजन लेवल इज हाई एंड CO2 लेवल इज लो। जनरली गाइस फोटो रेस्पिरेशन आपका कब होता है, जब ऑक्सीजन लेवल आपका हाई होता है एंड CO2 लेवल आपका कम होता है। सो आंसर विल बी हियर सी रामवीर, बिल्कुल सही आपने आंसर किया है, सी आंसर होगा। ठीक है, कमलाकांत ए नहीं होगा बेटा, सी आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। हाँ, लाइकेंस इज एन एसोसिएशन ऑफ डैश एंड डैश। तो लाइक एल्गी एंड फंजाई, फंगस एंड मॉसेस, फंगस एंड वायरसेस, वायरस एंड निमेटोड एंड मॉसेस एंड प्रोटोजोआस। तो गाइस फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। लाइकेंस जो है, लाइकेंस इज एन एसोसिएशन ऑफ, हर जगह हम लोग पढ़ते हैं, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, इसके अलावा हम लोग एग्रीकल्चर में, पैथोलॉजी में, और हर एक एंटोमोलॉजी में, हर जगह हम लोग इसे पढ़ते हैं। अब बताइए, इन्वायरमेंट साइंस में पढ़ते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई थिंक कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इसको गलत नहीं करेगा, आई होप। ए ओके, आरती प्रमोद दामिनी ए ओके, सौम्या शिविका ए ओके। ठीक है गाइस फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। दीपा पा क्या आंसर कर रही हूँ, 180 क्या है। शिविका ए ओके, अजय मिश्रा एल्गी एंड फंजाई ओके, विपिन ए, वीरेंद्र ए ओके, दीपा अच्छा ए, आशुतोष ए ओके, डी अच्छा जी, कुलदीप ए ओके। हाँ जी बिल्कुल मैम, इसमें एग्रीकल्चर भी आता है जी, बिल्कुल मार्केटिंग ऑफिसर में। यार आप लोग जब SO का एग्ज़ाम देते हो तो उसमें एक पोस्ट होती है मार्केटिंग ऑफिसर की, तो आपका इसमें एग्रीकल्चर वाला पोर्शन भी कवर अप करा जाता है। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के होते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें आपके एग्रीकल्चर के कवर अप होते हैं। ठीक है, 18 टाइप करके हैं, क्या लिख रहे हो ए ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आपका आंसर हम लोग देख लेते हैं, आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा गाइज आपका एल्गी एंड फंजाई, फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, मुझे भी दो बारी के स्पेक्स लगा के देखना पड़ेगा। देखो एल्गी एंड फंजाई गाइज आपका लाइकेंस जो एसोसिएशन है इज एल्गी एंड फंजाई, आपका एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन ये होता है, ठीक है, जो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज एस्टैब्लिश इन विच ईयर। जो आपका फर्स्ट एग्रीकल्चर सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये कौन से ईयर में एस्टैब्लिश करा गया था, 1800 में, 78 में, 1881 में, 91 में, या फिर 1875 में। तो गाइस फटाफट से आंसर कीजिए, आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। फर्स्ट सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज एस्टैब्लिश इन विच ईयर, कौन से ईयर में जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सबसे पहले आपका ये एस्टैब्लिश करा गया था।
अरे भाई उसके अब मैं नेक्स्ट सेशन देखना, जब मैं नेक्स्ट सेशन लूंगी तो उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? अभी पहले एक बार मुझे नेक्स्ट सेशन लेने तो दो, उसमें पूछना सारे क्वेश्चन। कितनी बार बोल रही हूँ, सुनते नहीं हो आप लोग। शिविका सी ओके, 1881 ओके, नीरज ए ओके, सौम्या ई ओके, 1881 1891 सी ओके। तो देख लो आंसर क्या है गाइस, आंसर हम लोग देख लेते हैं एक बार। 1881, जितने स्टूडेंट ने 1881 आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है? यहाँ पर आपका जो फर्स्ट सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ये आपका 1881 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन इज कॉज्ड बाय, जो आपका एंगुलर लीफ स्पॉट कॉटन में है वो कौन कॉज करेगा? वायरस, फंजाई, फाइटोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, निमेटोड। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हमेशा बोलती हूँ, नेचर ऑफ पैथोजन हमेशा पूछता है, नेचर ऑफ पैथोजन जरूर पूछता है कि वायरस है या फंजाई या फाइटोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया, निमेटोड है। अब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देख लो प्रीवियस ईयर के, अब समझ में आ रहा है क्यों बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ ना कि आपसे पैथोजन से ज्यादा वो पैथोजन के नेचर को पूछता है, किसका नेचर कैसा है। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन में बोलती हूँ कि ये बैक्टीरिया है आपका या फंजाई है या कैसा है इसका नेचर, इसीलिए बोलती हूँ। आप समझ में आ रहा है, एक एक करके देखते रहो, ठीक है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, कुलदीप सिंह, प्रमोद ओके, बैक्टीरिया, आरती बैक्टीरिया, शिविका डी ओके, बैक्टीरिया ओके, कुलदीप जैंथोमोनास, शुभाश्री टी ओके। आंसर हम लोग देख लेते हैं गाइस, आंसर है आपका बैक्टीरिया, ठीक है? बैक्टीरिया यहाँ पर आपका आंसर होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस। स्टेट द नेम ऑफ फंजाई विच इज यूज्ड इन ऑल्टरनेरिया फंजाई, ऑल्टरनेरिया स्पीशीज, गैनोडर्मा ल्यूसिडम, अगैरिकस बाइस्पोरस एंड प्रोजन काइमा। स्टेट द नेम ऑफ फंजाई विच इज यूज्ड इन, जल्दी से बताइए फंजाई जो आपका यूज करा जाता है। एगेरिकस बाइस्पोरस होगा, ऑल्टरनेरिया होगा, गैनोडर्मा होगा या प्रोजन काइमा होगा, फटाफट से बताइए कौन सा फंजाई है जो इसमें यूज करा, यूजेबल फंजाई कौन सा है, कौन सा फंजाई यूज करा जाता है गाइस, फटाफट से बताओ यार कौन सा फंजाई है जो यूज करा जाता है, बताओ जी। एगेरिकस बाइस्पोरस, अच्छा जी ओके, फटाफट से बताओ, बाकी स्टूडेंट भी बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा गाइस, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। गैनोडर्मा, आरती ओके, डी सौम्या, कमलाकांत डी ओके, गाइस फटाफट से आंसर करो। विपिन पाल डी ओके, विपिन पटेल डी ओके, फटाफट से आंसर कीजिए गाइस, फटाफट से बताओ। शिविका डी, आशुतोष त्रिपाठी डी ओके, डी ओके ओके बी, अच्छा जी आंसर हम लोग देख लेते हैं गाइस। एगेरिकस बाइस्पोरस, यार मशरूम जो है वो फंगस है और सबसे ज्यादा मशरूम ही तो यूज करा जाता है, एडिबल है ना, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ग्रेशी शूट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय फंजाई, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, निमेटोड, बैक्टीरिया। कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं करेगा, फाउंडेशन में भी और जो आपके पेड वाले स्टूडेंट, पेड वालों को तो बहुत कुछ बता रखा है, फाउंडेशन वालों को भी बता रखा है, रैपिड फायर में भी करवा रखा है, ठीक है? तो यहाँ से गाइज आप लोग एनालाइज करना कि पैथोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से कितने सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो रैपिड फायर में भी देख लो, एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लासेस से भी देख लो, इतना सारा आपको करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंस पता चल रही होगी क्लास की, ठीक है? एगेरिकस बाइस्पोरस, हाँ जी बिल्कुल, फाइटोप्लाज्मा ओके, जाट सी ओके, ठीक है, सौम्या सी ओके, आरती फाइटोप्लाज्मा, शिविका वत्स फाइटोप्लाज्मा, जाट साइटो सी ओके। चलो आंसर देख लेते हैं गाइस, आंसर होगा आपका फाइटोप्लाज्मा, आंसर क्या होगा आपका फाइटोप्लाज्मा, ठीक है? फाइटोप्लाज्मा यहाँ पर आपका आंसर होगा, जो आपके क्या होते हैं, सेल्वोलेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, फाइटोप्लाज्मा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मेज स्ट्रीक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, मेज स्ट्रीक वायरस जो है वो आपका कौन ट्रांसमिट करता है? लीफ ओपर, माइट्स, एफिड, बग एंड वाटर। पेड़ वाले बच्चे बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे बेटा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इफको के पेड़ वाले बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर होना चाहिए, ठीक है? अब फटाफट से आंसर करो क्या होगा। नीरज कुमार सी ओके, बहुत अच्छे से देखो सारी चीजें बहुत अच्छे से करवाई हुई है तुम्हें, ट्रांसमिशन, कॉजल ऑर्गेनिज्म, सिम्टम मैनेजमेंट सब करवा रखा है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, ठीक है? शिविका सी ओके, कुलदीप सी, कुलदीप का आंसर बी है ओके, कमलाकांत सी ओके, आरती एफिड ओके जी, विपिन पटेल ए ओके, आंसर देख लेते हैं गाइस। सौम्या का आंसर भी ए है, जाट का डी है ओके। चलो गाइस आंसर होगा आपका लीफ ऑपर, ठीक है? यहाँ पर जो आपका मेज स्ट्रीक वायरस होता है ये लीफ ऑपर के थ्रू आपका ट्रांसमिट होता है, ठीक है? तो ए आंसर होगा, दामिनी का सिर्फ आंसर सही आया और विपिन का,
ए, ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट ने गलत आंसर किया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट. बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है गाइस, और ये आपके इस एग्जाम में भी आ चुका है. डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है? फरीदाबाद में, गुड़गांव में, पुणे में, लखनऊ में, या फिर भोपाल में होगा? फटाफट से बताइए गाइस, क्विकली आंसर कीजिए गाइस. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट, कहाँ पर है? फटाफट से बताइए गाइस. डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इज लोकेटेड एट फरीदाबाद. ओके, अजय मिश्रा ए, आरती फरीदाबाद, प्रमोद अजय फरीदाबाद, ओके, कुलदीप भाटिया ए, शिविका, ओके कुलदीप आपका आंसर मैंने देख लिया, फरीदाबाद, सौम्या 23 का ए, ओके गाइस फटाफट से आंसर कीजिए, ए आंसर करें. जितने स्टूडेंट देख रहे हो यार, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उतने स्टूडेंट्स के आंसर नहीं आ रहे हैं, ये गलत बात है. स्टूडेंट सारे सारे स्टूडेंट आंसर करो, क्या आंसर होगा? फरीदाबाद हरियाणा. अच्छा जी, आंसर होगा गाइस आपका फरीदाबाद. ठीक है, जितने स्टूडेंट ने फरीदाबाद आंसर किया, आपका आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर आपका फरीदाबाद ही होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए गाइस. हाँ, फिजिकल ब्रेकेज ऑफ फूड मटेरियल इज डन बाय, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल इज डन बाय गिजार्ड, वेंट्रिकुलस, क्रॉप, नन ऑफ दीज एंड लेग्स. फटाफट से बताइए. बहुत डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, अब इसमें आप लोग बहुत इजीली आंसर कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी किसी को आइडिया होगा. फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल इज डन बाय, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन जो है फिजिकली कौन करता है? गिजार्ड करेगा, वेंट्रिकुलस करेगा, क्रॉप, नन ऑफ दीज और लेग्स. फटाफट से बताइएगा. इस ऑप्शन उससे बहुत ही डिफरेंट दे रखे हैं, आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो, फटाफट से बताइए. शिविका वत्स ए, अजय मिश्रा गिजार्ड, आरती क्रॉप. ओके यार ध्यान से पढ़ो, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन, फूड मटेरियल को कौन तोड़ता है फिजिकली, ये पूछ रहा है. गिजार्ड, दामिनी सी, ओके शिविका, गिजार्ड, ओके शिविका आपका आंसर मैंने देख लिया है. एग्री एजुकेशन ए, ओके नीरज, फरीदाबाद जा चुका है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए, जल्दी से बताइएगा इस आंसर क्या होगा. कुलदीप कुमार भाटिया ए, ओके ठीक है, नीरज कुमार ए, ओके ओके चलो आंसर हम लोग देख लेते हैं गाइस. आंसर होगा आपका गिजार्ड, मैं वही तो बोल रही हूँ, फिजिकल ब्रेक गाइस, क्रॉप आंसर कैसे हो सकता है? वो बोल रहा है कि फूड का ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, फूड को ब्रेक करेगा. अब क्रॉप तो ऑलरेडी फूड है, ठीक है, क्रॉप आंसर कैसे हो सकता है? यहाँ पर लेग्स भी नहीं होगा, क्रॉप भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, वेंट्रिकुलस नहीं हो सकता, गिजार्ड आंसर होगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. बाइंग एंड सेलिंग कम्स अंडर द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, कौन सी फॉर्म ऑफ यूटिलिटी के अंडर आपका आता है बाइंग एंड सेलिंग? टाइम होगा, पोजीशन होगा, प्लेस, फॉर्म एंड वॉल्यूम. फटाफट से बताइए गाइस आंसर क्या होगा. ये मार्केटिंग का आंसर है, मार्केटिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए. बाइंग एंड सेलिंग कम्स अंडर द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, कौन सी यूटिलिटी के अंडर आपका बाइंग एंड सेलिंग आएगा? फटाफट से आंसर कीजिए गाइस. टाइम होगा, पोजीशन होगा, प्लेस होगा, फॉर्म होगा, वॉल्यूम होगा. फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा गाइस. डियर स्टूडेंट्स फटाफट से आंसर कीजिए, आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए गाइस, जल्दी से बताइए गाइस आंसर क्या होगा. पोजिशन, आरती का आंसर आ गया है, ओके ठीक है, फटाफट से बताइए गाइस. 20-25 का बी आंसर होगा, ओके पोजिशन, ओके प्रमोद बी, अभी कंफ्यूजन में हो, अच्छा शिविका बी, ओके अजय मिश्रा बी, ओके ठीक है बी, ओके आंसर हम लोग देख लेते हैं गाइस. आंसर होगा आपका पोजिशन, ठीक है, आंसर होगा आपका यहाँ पर पोजिशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. द मेन फंक्शन ऑफ RRB रीजनल रूरल बैंक, बाइंग एंड सेलिंग कम्स अंडर द फॉर्म ऑफ यूटिलिटी. एक मिनट, अरे ये शायद ये गलत आ गया, ये मैं शायद वो करना भूल गई, ये आपका गलत आ गया, ये मैंने पढ़ा नहीं, शायद टाइपिस्ट ने थोड़ा सा गलत कर दिया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. आंसर बताइए, मेन फंक्शन ऑफ RRB, टू एडवांस द लोन टू द वीकर सेक्शन, टू ओपन मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस इन रूरल एरियाज, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू एनकरेज डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, और टू डिक्रीज डिपॉजिट मोबिलाइजेशन. तो फटाफट से बताइए गाइस, द मेन फंक्शन ऑफ RRB का मेन फंक्शन यहाँ पर क्या होगा? टू एडवांस लोन टू द वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन को लोन एडवांस करना, ठीक है,
टू ओपन मोर ब्रांचेस ऑफ इन रूरल एरियाज, ज़्यादा रूरल एरियाज में आपकी ज़्यादा ब्रांचेस ओपन करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना. इन्फ्लेशन का मतलब होता है गाइज जो प्राइस आपका बढ़ता है, ठीक है. इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दो आपके टर्म होते हैं. डिफ्लेशन मतलब प्राइस का नीचे गिरना और इन्फ्लेशन बढ़ना. टू इंक्रेज डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को इंक्रेज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा. ओके स्टूडेंट्स के आंसर आ गए आरती का बी, वीरेंद्र बी, ओके सुप्रतिम दास ए, ओके तनुजा बी, सौम्या ए, ओके अजय मिश्रा सी, प्रमोद. अरे दूसरे को कमेंट मत करो, भी पहले आंसर कर लो, ठीक है. नीरज वीरेंद्र बी, ओके आप क्या आंसर कर रहे हो नीरज ए, ओके तनुजा बी, ओके ठीक है ठीक है. गाइस हम लोग आंसर देख लेते हैं. आंसर क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मतलब प्राइस जो इंक्रीज होता है आपका. इन्फ्लेशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस आपका इंक्रीज करता है, ठीक है. डिफ्लेशन मींस प्राइस आपका जब रिड्यूस होता है, इन्फ्लेशन जब इंक्रीज करता है. तो प्राइस इंक्रीज जब आपका करता है गाइस, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को क्या करता है यहाँ पर, ये कंट्रोल करता है, ठीक है गाइस. ओके तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है. तो गाइस ये आपके आज के क्वेश्चन थे. आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है. और गाइस अभी एक नेक्स्ट सेशन कुछ और क्वेश्चंस एक्चुअली रह गए हैं, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी. और उस सेशन में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका एग्जामिनेशन कैसा हुआ था, आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा आएगा. और जिन स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि मैम इस पे एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, तो इसके लिए आपको मेरा दूसरा सेशन देखना पड़ेगा, नेक्स्ट सेशन, ठीक है. ओके गाइस, अब गाइस ये आपका एग्रीकल्चर का महापैक है, ये आपका FCI नाबार्ड, ठीक है. FCI का एग्जाम हो गया, नाबार्ड का एग्जाम हो गया, इफको हो गया, ठीक है. आपका ये IBPS AFO हो गया जिसकी आप प्रिपरेशन करते हो पूरे ईयर, ठीक है. आपका राजस्थान JET हो गया, ICR IERI हो गया, ठीक है. सारे एग्जामिनेशन के लिए जो पैक हैं गाइज वो आपके एग्रीकल्चर महापैक में मिल जाएंगे, ठीक है. और इसकी अभी डबल वैलिडिटी पे चल रहा है, 12+12 मंथ. ये आपका 2 इयर्स के लिए, अगर आप अभी इसको परचेस करते हो गाइस, तो ये आपका ये 2 इयर्स के लिए मिल जाएगा, ठीक है. ये आपका 2 इयर्स के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है. अब देखो यहाँ पर जनरली आपका ये जो इफको वाला पैक है गाइस, इफको वाला जो पैक है आपको, अगर ये आप अलग से खरीदते हो गाइस, तो ये आपको 2200 का मिल जाएगा. इसमें अगर आप Y447 कोड यूज करोगे तो ये आपको 1200 का मिल जाएगा. अब देखो इसमें आपको कितने सारे फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं गाइस, और आपको ये ओनली 2200 में, 2200 में आपको मिल जाएगा. इसके अलावा जब आप इस पे Y447 कोड यूज करते हो, तो ये आपका 1200 में आपको सिर्फ मिल जाएगा. और एग्रीकल्चर का जब आप महापैक लेते हो गाइस, तो ये आपका इसका प्राइस आपका सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग देख लो तो बहुत कम है. क्योंकि अगर आप IBPS AFO का लेते हो, तो वो IBPS AFO का जो एग्जाम है गाइस आपका, ये बहुत बड़ा एग्जाम है, ऑब्वियसली यू ऑल नो. और ये आपका पैक अगर आप लेते हो तो 5000 में मिलेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप अलग अलग सारे एग्जामिनेशन का लोगे, तो वो आपको ज़्यादा मिलेगा. जबकि अगर आप सिर्फ ये वाला एग्रीकल्चर का महापैक लेते हो, तो ये आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा, 8000 में आपको मिल जाएगा. उसमें भी अगर आप Y447 कोड यूज़ करोगे, 4 और 4 7, ठीक है, तो ये आपको उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 8000 में भी, और कम में आपको मिल जाएगा. और प्लस 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ लाइव क्लासेस, सारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है. वीडियो कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, सारे कोर्सेज गाइज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है. RBI और RRB दोनों करते हैं. सौम्या एक बार आप लोग अपने कंसेप्ट देख लिया करो, फिर उसके बाद आंसर किया करो. अगर नहीं आता तो नहीं अटेंड किया करो, ठीक है. एक बार पहले अपने कंसेप्ट तो सही कर लिया करो, फिर उसके बाद दिया करो, ठीक है. यहाँ पर बैठ करके कोई गलत आंसर तो करेगा नहीं, तो पहले अपने कंसेप्ट करेक्ट करो, फिर उसके बाद यहाँ पर बोलो, ठीक है. मैम HURL की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट में मिलेगी, ठीक है. सारी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगी गाइस, ओके. तो गाइस जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर का महापैक परचेस करना चाहते हैं गाइस, आप लोगों को Y447 कोड लगाना है, या आप लोग IERI ये ICR IERI टेक्नीशियन वाला इफको का जो आपका ये टेस्ट सीरीज है, या फिर आपका नाबार्ड का पैक है, जो भी पैक आप परचेस करना चाहते हो गाइस, Y447 कोड में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आपको बहुत कम प्राइस में आपको ये पैक्स मिल जाएंगे. इवन तो अगर अभी इफको का एग्जाम रनिंग है, अगर आप रबर बोर्ड
बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो, रबर बोर्ड का भी एग्जाम बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म तो भर ही चुका है। तो गाइज अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर का महापैक परचेस कर सकते हो Y447 कोड से। इसके अलावा अगर आपको अलग से इफको का भी लेना है तो आप इफको का बैच भी परचेस कर सकते हो Y447 कोड यूज करके। ये आपको मिनिमम प्राइस में मिल, मैक्सिमम डिस्काउंट में और मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइज। तो अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, ठीक है। और अगेन मैं आप लोगों के लिए फिर से ये क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो बच गए हैं हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और उसमें मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। तो गाइज मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और आप सबको ईद मुबारक, ठीक है।